दिल्ली में पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती के पहलवान डटे हुए हैं। पहलवानों के समर्थन में राजनीतिक दल सामने आ गए हैं, लेकिन कल रात पदक विजेता पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की है। विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनके साथ गाली गलौज की, धक्का मुक्की की। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी रात में धरना स्थल पर पहुंची, पुलिस ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। आपने थोड़ी देर बाद बैठक बुलाई तो जयंत चौधरी भी सियासी दंगल के नाम पर जा पहुंचे। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, जो तस्वीरें कल रात की आई हैं उससे लग तो यही रहा है कि कहीं ना कहीं फोर्स का इस्तेमाल महिला पहलवानों के खिलाफ किया गया, और अब क्या कोई माफी मांगी जाएगी या उसकी कोई भी उम्मीद नहीं है? हेलो, मैं अपनी बेटियों दिन देखने के लिए मैं दिल्ली लेके आया था देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आया था। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, ऐश्वर्या हमारे साथ लगातार मौजूद है। ऐश्वर्या, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो इस वक्त बताइए कि ये घमासान तो बढ़ गया। कई ऐसी बातें कही जा रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कोई चिट्ठी है जो प्रधानमंत्री को लिखी गई है, कई खबरें ऐसी आ रही हैं। क्या बात अभी तक निकल कर आ रही है? क्या कोई कंप्लेन दर्ज कराई गई है जिस तरीके से वहां पर व्यवहार हुआ इनके साथ? देखिए, इसको इस समय फेक बताया जा रहा है। अंदर जितने भी पहलवान बैठे हैं उनका ये कहना है कि ये जो चिट्ठी है उनकी तरफ से नहीं लिखी गई है। और पता देखिए, इस समय अंदर का माहौल आपको दिखाना चाहूंगी। बैरिकेड जबरदस्त है, पुलिस कर्मी जो है वो काफी भारी तादाद में यहाँ मौजूद है, और इस समय अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि देखिए पहलवानों के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो होता है उनका खाना। हमने देखा किस तरीके से जंतर मंतर को एक कुश्ती अखाड़ा बना दिया गया है, यहाँ पर ये लोग अपनी ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक यहाँ से हमें जो हम चाह रहे ब्रिजभूषण को जो जेल भेजा जाए, जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं हटेंगे। इसीलिए खाना पीना जो है वो यहाँ पे अब चालू कर दिया गया है, पौष्टिक खाना जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाहर जो माहौल है, अर्पिता मैं बता दूं आपको, काफी संगीन है। उसका संगीन होने का कारण है, एक तरफ है दिल्ली पुलिस कर्मी जो बहुत भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, लोगों को अंदर जाने की अनुमति इस समय दी नहीं जा रही है, और दूसरी तरफ ये बैरिकेड्स। और मैं आपको बता दूं, ये विवाद रात को शुरू हुआ, ये जो गद्दे आपको दिख रहे हैं अर्पिता, इनकी वजह से पूरा विवाद, इन भीगे हुए ये जो गीले गद्दे हैं इनकी वजह से शुरू हुआ। इन गद्दों पे ना तो रेसलर बैठ सकते हैं, सोने की तो बात आप भूल ही जाइए। और इन्हीं की वजह से सोमनाथ भारती ने ये कहा था कि क्योंकि ये भीग गए हैं, दिल्ली में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, नए गद्दे भेजने की कोशिश की गई थी, और ये जहां जिस जगह मैं खड़ी हूं यहीं पे वो स्कफल हुआ था, यहीं पे लड़ाई हुई थी दिल्ली पुलिस कर्मियों और जितने रेसलर्स हैं उनके बीच में। और रेसलर्स का अब ये कहना है कि हम खाना पीना सब कुछ अपना खुद से कर रहे हैं, जब बस ये बात हुई थी कि ये भीगे हुए गद्दों पे हम सो नहीं सकते हैं, तो जब नए गद्दे जब भेजे गए थे तो ये बैरिकेड को पार करके वो गद्दे हम तक क्यों नहीं पहुंचे? अर्पिता, ठीक है, लौटेंगे आपके पास, तमाम जानकारी लेंगे। और कल रात जब ये प्रदर्शन हुआ तब किस तरीके से प्रदर्शनकारी ने इनका सामना किया, पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद थे, और क्या कुछ उनका कहना था सुनिए। जल्दी लेके जाओ, यह दिन देखने के लिए मैं लेके आया था देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आया था। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, पप्पा से पूछ रहा था, इतने कांड कर रहा है वो घर में, मत मुझे सो रहा बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के पड़ रहे हैं जो भी बने वो हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है, इतनी इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों, कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आया, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी, इतनी दूरदर्शी करके हमारे यहाँ पे रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। कितने लोग तो को, एक को तो इधर से फटा हुआ, उसका तो खून ही बहुत ज्यादा चलने लगा, तभी के तभी हमने भगा दिया। एक इस भाई को, ये भाई बैठा हुआ है, इसको टकरा रहे हैं, इसको जाने नहीं दे रहे। एक हमारा भाई उठा ले गया था, उसको पता ही नहीं वो कहाँ है कैसा है। कोई पुलिस कर्मचारी नशे में भी था यहाँ? हाँ, एक ड्रिंक कर रहा था, और वो उनको बोला सर हमारे आगे टेस्ट होना चाहिए, लेकिन वो जबरदस्ती उसको लेके गए हैं कि भाई हम अपने आप करवा लेंगे इसका टेस्ट, आप दर्ज कराइए इसके खिलाफ।
एक और वो एसपी कौन था जो आग दिखा के धमकी दे रहा था कि मैं देख लूंगा तुमको, मेरे से सहमत बोल धर्मेंद्र नहीं था वो, एक और जो एक और आया था वो निकलवा के ले आए ताकि मेरा नाम ना पता लगे, वो मोटा सा था वो देखते ही पहचान लेंगे हम उसको। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से मेल पुलिस ऑफिसर्स ने दारू पीकर इनके साथ धक्का मुक्का करी है, इनको गंदी गंदी गालियां दी हैं, बाल खींचे गए हैं और फीमेल ऑफिसर्स यहाँ पे क्यों नहीं अपॉइंटेड की। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस अपनी पूरी शक्ति उस ब्रिजभूषण गुंडे को बचाने के लिए क्यों लगा रही, क्यों दिल्ली पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती, क्यों दिल्ली पुलिस ने अभी तक इन लड़कियों के 164 के बयान दर्ज नहीं करे हैं, क्या क्यों इतना डिले किया जा रहा है, क्यों इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मैं उनकी भावना समझ सकता हूं, लेकिन मैं उनको मनाऊंगा कि वे देश का गौरव है और वो इसके असली हकदार हैं, किसी को देने की जरूरत नहीं। इसलिए तो हो रहा है क्योंकि मुद्दा है, अगर मुद्दा नहीं होता तो जनता नहीं जुड़ती, जनता नहीं जुड़ती तो विपक्षी पार्टियां जो राजनीतिक संगठन हैं जिनकी जड़ें समाज में हैं, हम लोग भी इस तरह से नहीं आते, तो हमारी भी अपनी मजबूरी है। और जब सरकार से कोई सवाल होगा तो ये जवाब देना कि ये विपक्षी राजनीति का हिस्सा है, ये बड़ी छोटी ओछी राजनीति है।